पोल्ट्री इंडिया टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत। आज दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक मुद्दा कि क्या अंडे के भाव को स्थिर किया जा सकता है, ऐसा भाव जिसमें पोल्ट्री जो किसान हैं उनका मुनाफा लगभग तय हो जाए और नुकसान की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हो जाएं। और दूसरी बात आज रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पोल्ट्री किसान, हरियाणा और पंजाब के पोल्ट्री किसान में कुछ अंतर रहता है अंडे के भाव का, तो इस वजह से इन किसानों के बीच में कुछ द्वंद रहता है। और इस द्वंद के अंदर जो भाव खोलते हैं, भाव खोलने वाले आखिरकार कौन हैं, ये तो वही पदाधिकारी खोलते हैं, और भाव देने वाले जो हैं वो सिर्फ वही भाव देते हैं जो पदाधिकारी भाव खोलते हैं। लेकिन ये जो द्वंद फिर भी चलता रहता है, इस पे बात रखेंगे। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मिस्टर वीरेंद्र मेहता जी, और वो अपने विचार रखेंगे क्योंकि वो पोल्ट्री के लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, तो वो अपने विचार, और ज्यादा पोल्ट्री किसानों के संपर्क में रहते हैं तो वो अपने विचार रख पाएंगे। ये उनके निजी विचार हैं, आप उनके विचार सुनिए। मेहता जी, आप बताइए कि अंडे के भाव को स्थिर रखा जा सकता है, या जो दूसरी बात हमने किया वो पूरी विस्तार से रखी है। बात ये है कि जो किसान ये कहता है कि जंतर मंतर में भी हुआ था ये सिस्टम कि एक मिनिमम प्राइस हो या कुछ इस तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट करे, पर ये फूड आइटम है, कैसे हो सकता है इस फूड आइटम को? ये फूड आइटम है, ये रेट बढ़ते घटते रहते हैं, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर ही होता है सारा कुछ। ये अगर अंडे, अब गर्मियां हैं या कुछ, हमारा जो देश है ना, ये मेलों का देश है, ये यहाँ पर त्योहारों पर बड़ी आस्था है लोगों को, इस आस्था को देखते हुए जब डिमांड नहीं होती तो एक रेट में कैसे बिकेगा? तो व्यापारी तो अगर उस रेट पे खरीदता रहेगा तो खत्म हो जाएगा। ये तो फार्मर और व्यापारी को, दोनों को समझ बूझ कर बैठ कर ही चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। इसका मेन कारण ये है, पहले बरवाला से लेकर दिल्ली तक, बरवाला से दिल्ली तक ज्यादा पोल्ट्री होती थी, अजमेर में डेवलप हुई, उसके बाद यूपी में डेवलप हुई, उसके बाद बिहार में डेवलप हुई, आंध्र में डेवलप हुई। अब बात यह है कि जो यूपी में 40% तक सब्सिडी है, गोवा ने सब्सिडी काफी दे दी, बिहार ने दे दी 50% सब्सिडी, अब वहां का जो फार्मर बड़े तेजी से डेवलप हो रहा है। यूपी में जहां अंडा जाता था पहले, वहां से अंडा वापस आने लग गया, गोरखपुर से वापस लखनऊ आता है। तो अब यहां की जो जब डिमांड वहां पर नहीं जाएगी, वो कम हो जाएगी वहां पर, बिहार में जो कुछ एरिए थे वहां पर अगर अंडा नहीं जाएगा, डिमांड कम होगी तो रेट, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मान लो अंडा नहीं जा रहा तो वो ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करेंगे, यहाँ का आदमी तो ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड करेगा ना, बरवाला का, दिल्ली का, तो वो माइनस करेगा, तभी ये सिस्टम होगा ना। ये इट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सर। अब ये बताओ, आप हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली क्यों कहते हो? क्योंकि बेसिक ये एक ऐसा प्लेस है, यहां पर रेट खुलता है, बाकी दाएं बाएं। अब पहले यूपी में अंडा देते थे यहाँ के फार्मर, बरवाला वाले, वो यहां से शुरू हो जाते थे हरियाणा के बॉर्डर से, 10 पैसे किराए से शुरू होते थे, 70 पैसे किराए तक वो देते थे। अब वो किराया ऐड होता था ना, अब वहां पर जो फार्मर हैं वो 70 पैसे प्लस करके भी अंडा देते रहे हैं, अब उस रेट पे देते हैं। अब वो जब ये अंडा माइनस करते हैं, जब इनका नहीं जाता, जब इनका अंडा नहीं जाएगा, फेंकने से तो रहे ना साहब, नमक्कल है वहां से शुरू होता है, हैदराबाद से शुरू, तो अब ये डिमांड और सप्लाई जो है ये थ्रो आउट इंडिया की नजरों से देखी जाती है, ठीक है ना बात को, ये नहीं कि यूपी को इग्नोर करती है। जब बरवाला का रेट निकलता है तो यूपी को, बिहार को भी मद्देनजर रखा जाता है, उसमें क्या डिमांड है, वहां पर कितनी डिमांड है, सारा कुछ प्रॉपरली हर चीज को तय करते हैं। अब यहां पर अगर 3 रुपए अंडा बिकता है तो वही बरवाला का फार्मर वो 3 रुपए 40 पैसे अंडा बेचता है, वहां पर 30-40 पैसे वैसे प्लस है ना, वो बेचता है, जो वहां का लोकल फार्मर है उनको वहां बैठे बैठे 40 पैसे प्लस मिल जाते हैं, सब्सिडी है। यूपी का फार्मर जो है वो इतना परेशान क्यों, जो सबसे बड़ी बात है, उसका परेशानी का कारण ये है, वहां पर अभी डेवलपमेंट की सारी चीजें अभी वहां पर प्रोग्रेसिव नहीं हुई है, डॉक्टर पूरा अवेल नहीं है, दवाइयां पूरी अवेल नहीं है, नॉलेज नहीं है,
फीड जो है वो बाजार से फैक्ट्रियों से मोल लेते हैं। अब यहाँ का जो फार्मर है, हरियाणा का फार्मर, बरवाला का फार्मर, वो अपनी फीड खुद बनाता है, उसको दो दो तीन रुपए माइनस फीड बन जाती है उसके अपने फार्मूले से बनाता है। तो अंत में मेहता जी, इस बात को हम मान सकते हैं कि अंडे के रेट को मार्केट में स्थिर रखना संभव नहीं है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है और अंडा फूड आइटम में आ गया है। और दूसरी बात जो है कि उत्तर प्रदेश में सब्सिडीज जो काफी दी गई हैं, उसकी वजह से वहां पे अंडे का जो उत्पादन है फल फूल रहा है, और हरियाणा से जो अंडा वहां या पंजाब से अंडा जो जाता था यूपी की तरफ, वो जाना कम हो गया। इस वजह से हरियाणा पंजाब के जो उत्पादक हैं उनको अपने अंडे के दाम कम करने पड़ रहे हैं। नटशेल हम ये कह लें, अभी फिलहाल ये आज के मुद्दे में सिर्फ इतनी बातें, और दो या तीन दिन में और भी जो नए मुद्दे हैं उनमें भी डालेंगे, कुछ और एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय लेंगे, वो भी डालेंगे। आप यूट्यूब पर पोल्ट्री इंडिया टीवी, टीवी जरूर लगाएं, यूट्यूब में पोल्ट्री इंडिया टीवी सर्च करें, हमारी लेटेस्ट वीडियो में आपको वो वीडियोस भी जल्द ही हम डाल देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बजा देंगे तो नोटिफिकेशन ही आपको मिलती रहेंगी। हम रोज सुबह अंडे और ब्रॉयलर के थोक भाव भी देते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कल फिर हाजिर हो जाएंगे ब्रॉयलर और अंडे के थोक भाव लेकर। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अपना कीमती वक्त देने के लिए मेहता जी का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।